मैंने अपनी किचन को किस तरह से किया है डेकोरेट, तो आप लोग देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिए। और ये देखिए, मैंने यहाँ से, अभी मेरे पास डिब्बे नहीं हैं, जैसे थे मैंने उन्हीं डिब्बों में अपने सारा सामान था जो ग्रोसरी का होता है किचन के यूज़ के लिए, वो मैंने सारे डिब्बों में भर दिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटे मोटे सामान होते हैं वो सारी मेरी कांच की शीशी हैं जो जैम वाली होती हैं, उनमें रख दिया है। और यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे हम डिब्बों में सारा सामान पलट लेते हैं, उसके बाद ये जैसे ये पोहा हो गया, हल्दी हो गई, बेसन दल, तो ये मैंने सारे डिब्बों में बंद करके ऐसे रख दिया है लिफाफों को। और ये छोटी छोटी शीशियाँ हैं ना, हाजमोला की खाली जाती हैं, तो इनमें जैसे नमक हो गया, चाट मसाला हो गया है, तो सारी चीज़ें इस तरह से मेरी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कलौंजी, पता नहीं क्या क्या होता है किचन में, जो कुछ भी हो जाता है वो सारा मैंने इसमें रखा हुआ है। और फिर आ जाएंगे हम नीचे, नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। हमारी किचन की खिड़की है, रात हो चुकी है, नहीं तो दिन में होता तो अच्छा व्यू आता, आप लोगों को दिखाते। और यहाँ पे है मेरा मिक्सर ग्राइंडर, टोस्टर, और ये कप स्टैंड है, अभी कप धुलने को हैं। और यहाँ पे मैंने डिब्बे वगैरह लगा दिए हैं। और इधर ये मेरी गैस, और यहाँ पे इंडक्शन, इधर मैंने बर्तन धो के रख दिए हैं। तो और अभी बाकी इधर काम पड़ा हुआ है करने को आधा, अभी नीचे का भी कुछ नहीं हुआ, नीचे अभी पड़ा है सारा कुछ करने के लिए, थोड़ा बहुत कुछ है तो इधर मैंने कर दिया है बर्तन वगैरह सिलेंडर, अभी थोड़ी टंकी वगैरह आने को है, कुछ नीचे भी थोड़ा काम बाकी है, अभी सारा सामान ऐसे ही पड़ा है, अभी इनमें बर्तन वगैरह रखने हैं। और बाकी सारा हो गया है। और फ्रिज यहाँ से, तो आप लोग बताना कैसा लगा मेरी किचन। तो यहाँ मैंने आरओ को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, बहुत गंदा, चिमनी नहीं लगी ना फ्रेंड्स, तो भी बहुत गंदा हो जाता है। तो सफाई करते करते दो दिन की मैंने किचन की दो दिन लग गए मुझे किचन की सफाई करने में। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो एक छोटा सा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।